वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू एडाप्टिव लर्निंग तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सिक्स चैप्टर दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉट एवर यू से अब बिफोर क्लासीफाई द एनिमल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले उनको क्लासीफाई क्या क्यों करना है करना ही क्यों है और किस क्राइटेरिया पे उनको क्लासीफाई करना है अब वो क्राइटेरिया कैसे हो सकते हैं तो वो पहले उसको समझते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद दी एक्चुअल एनिमल क्लासीफिकेशन उसके डिफरेंट ग्रुप्स और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो पहला क्वेश्चन है वाई टू क्लासीफाई क्लासीफाई क्यों करें अगर देखो एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ऊपर से उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है पर इट इज़ वेरी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरी एनिमल सो वट आई विल डू आई विल ग्रुप दैम सो so दैट अगर मैंने एक एनिमल भी एक ग्रुप से पढ़ लिया तो उस 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 ग्रुप के अदर एनिमल को भी मैं समझ पाऊंगी अगर मैंने उनको ग्रुप कर दिया और उसके कैरेक्टरिस्टिक एक क्यूमुलेटि एक क्यूमलेटिव मैंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए तो येस yes, उस उस एनिमल को आइडेंटिफाई करना आसान होगा इवोल्यूशन हम इवोल्यूशन हुआ है नेचुरल सेलेक्शन हुआ है ऑलरेडी कम्प्लीटेड इन फर्स्ट चैप्टर Evolution कैसे हुआ था वो भी आप समझ पाओगे इकोसिस्टम में फूड चेन में उस एनिमल का क्या रोल है तो so, वो भी आपको समझ में आ जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एंड आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हैबिटेट क्या है उनका वो कहाँ पाए जाएंगे और उनका एग्जैक्ट रोल क्या है नेचर में फिर इट हेल्प्स एंड अर्न्स टू अंडरस्टैंड एडप्टेशन एडाप्टेशन क्यों चाहिए था सर्वाइवल करनी थी उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करनी है तो उसको एडाप्टेशन करना होगा तभी तो नेचुरल सिलेक्शन होगा और तभी तो वो सर्वाइव कर पाए ना आगे अपने इन्वायमेंट में इसलिए ये सब बेनिफिट्स हैं क्लासिफिकेशन के सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई द एनिमल सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड जस्ट लेट्स जस्ट रिवाइज व्हाट एवर आई जस्ट स्पो कि क्या क्या उसके एडवांटेज हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम्स कन्वीनियंट क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है डाइवर्सिटी है हर एक को पढ़ना मुश्किल है तो चलो इनको ग्रुप कर देते हैं फिर कुछ फ्यू एनिमल्स आपने पढ़ ली है तो पूरी ग्रुप का एक आइडिया आ जाएगा अच्छा ये ग्रुप में ऐसे होते हैं इट गिव्स एन आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन मतलब एनिमल में इवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी आपको समझेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम एकदम लोअर लोअर का जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है और फिर आप जाओगे ऑर्गन सिस्टम जहाँ पे कॉर्डिनेशन है तो एक पूरी आप डाइवर्सिटी यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट अबाउट तो इवोल्यूशन समझ में आएगा एंड देन आइडेंटिफाई यू कैन आइडेंटिफाई द एनिमल विद ग्रेट एक्यूरेसी तो वहाँ पे गलती होने के कम चांसेस हो जाएंगे एंड देन इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर वेदर दे आर प्रिडेटर पैरासाइट्स इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैबिटार्ड एंड द नेचर एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन नेचर सो हैबिटार्ड मतलब कहाँ पाए जाएंगे और इनका नेचर में क्या रोल है मतलब इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है जस्ट रिमेंबर दैट एनर्जी पिरामिड उसमें वो कहाँ पे क्या रोल करेंगे एंड एट द एंड इट हेल्प एस टू अंडरस्टैंड द वेरियस अडाप्टशन स्टोन बाय द एनिमल्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव एडाप्टशन इज वेरी मच नीडेड सो दैट्स वाई ये सारे बेनिफिट्स हैं इसलिए क्लासिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है अब क्राइटेरिया क्या होंगे जस्ट एक द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास जहां पे सिक्सटी सेवेंटी स्टूडेंट्स हैं अभी मुझे उनको कहा गया कि इनको ग्रुप कर दीजिए आप तो मैं क्या क्या क्राइटेरिया यूज करूंगी आई कैन टेक वन क्राइटेरिया ऑफ लाइक उनका वेट उनकी हाइट नंबर ऑफ नंबर्स विच विच दे हैव स्कोर्ड इन देयर प्रीवियस एग्जाम उससे कर सकते और आइदर आई विल सिंपली गो फॉर अ जेंडर मतलब बॉयज को एक टीम में गर्ल्स को एक ग्रुप में ऐसा भी कर सकती हूँ तो वैसे ही जब आपके सामने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आया क्या आप देखोगे क्या आप समझ के उनको किस आपके पास कोई एक सॉलिड एक क्राइटेरिया होना चाहिए यस मैम ये एक सेल था इसलिए मैंने एक ग्रुप में डाला ये मल्टी सेलुलर थे तो इसमें था मल्टी सेलर में भी मैम ये इसमें ये अलग है वो तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं टू तो डिसाइड कि, कि, कि किस एनिमल को किस ग्रुप में डालना है तो इन सारे क्राइटेरियास को पांच क्राइटेरियास रॉबर्ट विटेकर ने लिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी सिमेट्री बॉडी कैविटी जर्माइनल लेयर बॉडी सेगमेंटेशन ये फाइव क्राइटेरिया को कंसीडर करके रॉबर्ट विटेकर ने हमें फाइव किंगडम दी नोन एज Five kingdom classification. Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, and at the end Animalia. This theory is widely accepted and it is used today also. There is an another method of classification that is traditional method which we will learn. But right now, just focus on this five kingdom classification given by Robert Whittaker in 1969. अब किंगडम मोनेरा प्रोटेस्टा फंजा और प्लांटे आप ऑलरेडी सीख चुके हो अपनी क्लास में हम सीखने वाले हैं किंगडम एनिमी ठीक है तो लेट्स स्टार्ट अभी उन्होंने पहला क्या लिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है हाउ योर बॉडी इज ऑर्गेनाइज बॉडी कैसे बनी है बॉडी सेल्स से बनी है सेल्स टिश्यू है सेल्स ने टिश्यू बनाया टिश्यू ने ऑर्गन बनाया और जब बहुत सारे ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन होने लगा तो वो ऑर्गन सिस्टम हो गया और उसके बाद हम बन गए वी आर द एक्चुअल द रिजल्ट ऑफ सेलुलर के बाद टिश्यू बना के ऑर्गन और उसके बाद हम पहुंचे हैं ऑर्गन सिस्टम तो वी आर द रिजल्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेट्स रिवाइज इट अगेन टिश्यू क्या होते हैं जब बहुत सारे सेल्स एक ही काम करने लगे तो वो टिश्यू बोले जाते हैं जब बहुत सारे टिश्यू एक ही काम करने लगेंगे तो उनको क्या बोलेंगे ऑर्गन्स बोलेंगे और बहुत सारे ऑर्गन जब इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर काम करने लगेंगे तो उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम और वो क्या करते हैं लाइफ प्रोसेस योर बॉडी इज फॉर्म ये पैर, ये लेवल्स पे सेलुलर टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दिस ऑर्गन सिस्टम इज बेसिकली प्रेजेंट इन योर बॉडी बट नॉट विथ विथ अदर सारे जो एनिमिलिया जो क्लास किंगडम है उसमें सारे क्लास में ऐसे नहीं होता कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल होंगे कुछ में सिर्फ टिश्यू होगा कुछ में अगर ऑर्गन बन भी गया तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इन सारे इन इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करते हुए एक उन्होंने सबसे बिग रॉबर्ट रौ, रौ, विटिकर ने एक और क्राइटेरिया डिसाइड uh, किया दैट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उन्होंने फाइव ग्रेड्स दिए मतलब फाइव पॉइंट्स रहेंगे। अगर सेल रहा सिर्फ तो प्रोटोप्लाज्मिक उसका एग्जाम्पल क्या है पैरामोशियम यूनिसेलुलर एक ही सेल है जो सारा प्रोसेस करेगा न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एक्सक्रीशन एवरीथिंग। उसके बाद क्या था सेलुलर ग्रेड मतलब कुछ सेल मल्टी इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन ऑफ सेल मतलब सेल्स आ गए टिश्यू नहीं बनाया सिर्फ सेल्स आके इकट्ठा हो गया और काम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ टिश्यू नहीं है सिर्फ एग्रीगेशन मतलब लेट स्टार्ट विध यूनिसेलुलर एनिमल्स जिनमें क्या पाया गया है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देयर बॉडी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल जहाँ से वो न्यूट्रिशन भी करेंगे रिप्रोडक्शन करेंगे एक्सक्रीशन सब एक ही सेल में करना है और सारे फंक्शंस कौन करेगा एक ही सेम सेम सेल कर रहा है यूनि सेल्युलर एग्जाम्पल्स हैं उसके अमीबा और पैरामोशियम तो प्रोटोप्लाज्मिक एक ही सबसे सिंपलेस्ट है एक ही सेल है उन्हीं को सब करना है तो उनको क्या ग्रेड दिया गया प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन अब ये यूनिसेलुलर की बात हो गई एक सेल था और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था अब मूव करेंगे मल्टी सेलुलर पे मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होगा ऐसे दिस इज द एग्जाम्पल स्पॉन्ज इसमें क्या है ना इस ऑर्गेनिज्म में इसमें एग्रीगेशन मतलब सेल्स से इकट्ठा हुए हैं टिश्यू अभी तक नहीं बने हैं सिर्फ एग्रीगेशन मतलब सेल इकट्ठा हो गए टिश्यू नहीं बने और कोई सेलुलर कोऑर्डिनेशन तो दैट इज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स बन चुके मल्टी सेलुलर हाँ डोंट गेट कंफ्यूज विथ यू सेलुलर का प्रोटोप्लाज्मिक लुलर में क्या था एक सेल था और वही सारे काम कर रहा था इन दिस केस इट इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल एंड यस देर आर मोर देन वन सेल बट अगेन टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बट एक बोलते हैं ना सेल का जम जमाव हो गया है बहुत सारे सेल्स का और एग्जाम्पल है इसका फाइलम पोरीफेरा अभी ये जो फाइलम पोरीफेरा है वी विल अंडरस्टैंड बट एग्जाम्पल याद रखो इसका स्पॉन्ज एंड एग्जाम्पल कौन सा फाइलम है पोरीफेरा और ग्रेड कौन सा इनको मैंने दिया सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देन नेक्स्ट अब क्या हो गया मैंने क्या सिखाया पहले सेल्स थे यूनिसेलुलर था उसके बाद मल्टी सेलुलर हुए जहाँ पे सेल्स आके इकट्ठा हुए पर टिश्यू नहीं बनाया अब इसके बाद क्या बनेगा टिश्यू बनेंगे मतलब सेपरेट टिश्यू हैं जिससे बॉडी फंक्शंस होंगे बट ऑर्गन नहीं है सारे टिश्यूज हैं अलग अलग काम करने के लिए टिश्यूज हैं बट ऑर्गन अभी भी नहीं बने हैं और उसका फाइलम है नाइडेरिया और एग्जाम्पल है जेली और ग्रेड है इनका सेल टिश्यू ग्रेड पहले सेलुलर था प्रोटोप्लाज्मिक को साइड में रखो अभी फिलहाल के लिए क्योंकि वो यूनि था मल्टी सेलुलर में पहला हमने क्या देखा सेल टिश्यू मतलब सॉरी सेलुलर मतलब सेल्स आए उनमें टिश्यू नहीं था फिर हम किस पे आए सेल टिश्यू मतलब अब सेल ने टिश्यू बना लिया है बट वहाँ पे ऑर्गन्स नहीं बने हैं एग्जाम्पल उसका क्या है जेली फिश एंड फाइलम क्या है नाइडेरिया फिर मल्टी सेलुलर अब मल्टी सेलुलर में क्या होगा अगर उसके पहले वाली क्लास थी से, सेल टिश्यू मतलब टिश्यू तक अब बात पहुँची थी अब अब, अब आगे कहाँ जाएंगे टिश्यू से ऑर्गन की तरफ बढ़ेंगे टिश्यू से जब ऑर्गन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है ऑर्गन है दे आर टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू तो फॉर्म ऑर्गन ऑर्गन है बट वो ना अपने अपने काम अलग अलग कर रहे हैं मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है ओके okay. ये रिप्रोडक्शन के लिए ये अपना अलग काम करेगा ये डाइजेशन के लिए अपना है किडनी अलग काम करेगी जिस्ट हाइपोथेटिकल आई एम टेलिंग बीच में अभी सोचो मत कि किडनी कहाँ से आ गई आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल किडनी अलग काम कर रही है डाइजेस्टिव अलग का अपना काम कर रहे हैं मतलब कॉर्डिनेशन कुछ नहीं ऑर्गन्स बने फंक्शंस कर रहे हैं बट नॉट इन कॉर्डिनेशन विथ ईच अदर तो अब ये ग्रेड क्या हो गया टिश्यू ग्रेड टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका एग्जाम्पल है planaria. ये हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में एंड एट द एंड हमारी बात हो रही है

और पैरामोशियम थे जो क्या काम कर रहे थे एक साथ जो है एक ही सेल था उनके पास उसी से सारा काम कर रहे थे फिर सेलुलर ग्रेड की तरफ बढ़े जहाँ पे सेल्स इकट्ठा हो गए बट टिश्यू नहीं बने एग्जाम्पल मैंने क्या दिया स्पॉन्ज फिर हम लोग किसकी तरफ आए सेल टिश्यू की तरफ टिश्यू बने टिश्यू अपने अपने अलग अलग काम भी कर रहे स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं और उनको हमने आ, कौन सा ग्रेड दिया सेल टिश्यू ग्रेड और एग्जाम्पल क्या था लीफिश उसके बाद हमने क्या आए टिश्यू ऑर्गन ग्रेड उसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा प्लेनेरिया प्लेनेरिया में क्या है बहुत ऑर्गन्स तो प्रेजेंट है डिफरेंट फंक्शन करने के लिए मतलब अलग अलग कर रहे हैं अपने अपने काम उनमें ऑर्गन्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है एंड एट द एंड ह्यूमन बींग्स दैट इज़ आस में ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड है मतलब हमारे ऑर्गन्स अच्छे से हैं वेल डेवलप्ड हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड दे आर वर्किंग इन कॉर्डिनेशन विद ईच अदर तो दैट्स दी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट क्राइटेरिया वो खत्म हो गया तो लेट्स मूव टू क्राइटेरिया ऑफ रॉबर्ट विटेकर दैट इज बॉडी सिमेट्री अब बॉडी सिमेट्री क्या है बॉडी सिमेट्री वो होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडी प्लेन जिससे उस एनिमल्स को आप दो इक्वल हाफ में काट सको इफ यू वॉन्ट टू कट मी यू कैन इफ यू विल कट मी लाइक दिस हाफ तो ऊपर का अलग है क्या ये इक्वल हाफ होंगे नहीं बिल्कुल नहीं होंगे आपको अगर इक्वल हाफ चाहिए सो यू हैव टू कट मी फ्रॉम दिस तो मेरे पास क्या है एक ही एक्सिस है प्लेन ऑफ एक्सिस एक है यहां से काटोगे तभी आपको दो इक्वल हिस्से मिलेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन दिस डिपेंडिंग अपॉन दिस बॉडी सिमेट्री पहली बात बॉडी सिमेट्री क्या है बॉडी प्लेन ऑफ एन एनिमल हाउ इट्स पार्ट्स आर अरेंज्ड इस तरह अरेंज मेरे पार्ट्स इस तरह अरेंज है इफ़ यू विल कट मी लाइक दिस देन ओनली यू विल गेट द टू इक्वल हाफ अदरवाइज यू वोट तो इसको ध्यान इसको भी सोचते हुए आपकी बॉडी सिमेट्री को कंसिडर करते हुए भी एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है अब ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो है अमीबा की अमीबा में कोई बॉडी सिमेट्री नहीं इसको कहीं से भी काटो यू विल नॉट गेट इक्वल हाफ्स वेदर

अभी एसिमेट्रिकल बॉडी क्या है सेम मतलब टुगेदर मेट्री मतलब मेजर अमीबा पैरामोशियम और स्पॉन्ज इसको कहीं से भी कट करो यू विल नॉट गेट इक्वल पार्ट्स सो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ असिमेट्रिकल बॉडी सो दैट्स व्हाई व्हेन यू विल राइट अबाउट अमीबा यू हैव टू राइट उसका क्लास कौन सा है और ये उसकी बॉडी कैसी है एसिमेट्रिकल बॉडी सो ये चीजें अभी जब आप एनिमल क्लासिफिकेशन और हर एक ग्रुप उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे सो इफ यू नो दीज वर्ड्स इट्स वेरी इजी टू राइट दोज कैरेक्टरस्टिक तो एमीबा की बॉडी कैसी है एसिमेट्रिक कुछ भी कर लो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलने वाले देन रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल ले लो स्टार फिश का अब स्टार फिश के यहाँ पे मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्री है फॉर एग्जाम्पल फाइव है इसके पास इफ़ यू विल कट लाइक दिस तुमको उस प्लेन से भी तुमको दो इक्वल पार्ट्स मिलते जाएंगे तो दार फिश उसके पास कौन सी सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री रेडिया मतलब रेडियस अगर ऐसा प्लेन ऑफ एक्सिस जो उसके रेडियस से पास होता हो अगर आप उससे कट करो और आपको दो इक्वल हाफ मिले तो वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में फॉल होता है रेडियल सिमेट्री में और उसका एग्जाम्पल है स्टार फिश एन बायोलेटरल सिमेट्री क्या है बायोलेटर बाय मतलब टू एंड लेटर लेटर मतलब साइड के हम वी वी ह्यूमन बींग काउ बटरफ्लाई बिटल एंड फ्लाई दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ बायोलेटरल सिमेट्री अरे अगर आप मुझे ऐसे कट करोगे फ्रॉम दिस साइड आपको क्या इक्वल हाफ मिलेंगे नहीं मेरी एक आईज़, दो आईज़ ऊपर है यू विल गेट हाफ बैक और एक मतलब कुछ भी इक्वल नहीं रहेगा So, मेरे पास क्या है ओनली एक ही इमेजिनरी एक्सिस है मतलब मुझे एक ही है रेडियल में क्या था मल्टीपल है और bilateral में क्या है एक ही एक्सिस है जो इक्वल हाफ दे पाएगी दैट इज बायोलेटरल तो हम किस कैटेगरी के हैं बायोलेटरल सेमेट्री के हैं लेट्स टेक द बॉडी सेमेट्री की एक रिविजन अगेन uh, से Body symmetry मतलब क्या है? एक ऐसा इमेजिन जिसको कट करने से अगर आपको दो इक्वल हाफ मिलते हैं तो उसको body, उस तो क्या आपको body parts मिलते? Equal मिलते हैं? नहीं मिलते हैं इस क्राइटेरिया को डिसाइड करके भी एनिमल को क्लासिफाई किया गया है तो फर्स्ट था उसका एग्जाम्पल एमेट्रिकल मतलब नो नो सेमेट्री यू विल कट इट गेट टू इक्वल हाफ कुछ नहीं सब इज नॉट इट इज नॉट पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ अमीबा पैरामोशियम एंड स्पॉन्ज फिर हम आए रेडियल सेमेट्री में हमने एग्जाम्पल लिया स्टार फिश का स्टार फिश में क्या है मल्टीपल प्लेन ऑफ सेमेट्री मतलब वो इमेजिनरी एक्सिस उस रेडियस से इट शुड पास थ्रू दिस रेडियस इन ऑर्डर टू गेट टू इक्वल हाफ्स और उसके बाद थी बायोलेट्रिक सेमेट्री दैट इज हस और उसमें क्या है वी हैव ओनली वन इमेजिनेरी एक्सेस एंड थ्रू विच ओनली यू विल गेट टू इक्वल हाफ्स क्या होती है जब हम जयगॉट थे तो हमारे सेल्स जो थे उनमें क्या डिविजन हुए डिफरेंशिएट हुए जयगॉट क्या करते हैं एक जब मैं जयगॉट थी तो मैं एक सेल का एक गुच्छाई एक गोला थी ना सिर्फ सेल का एक उसके बाद उसमें डिफरेंट उसमें सेल डिवीजन हुआ मल्टीपल सेल्स बने और वो सेल्स जाके डिफ्रेंशिएट होने लगे एंड देन उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया और उससे मेरे बॉडी पार्ट्स बने बिफोर मेरा बर्थ हुआ तो ये सब कुछ हुआ तो ये जर्म लेयर्स बेसिकली दे आर अगेन डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू थ्री तो एम जर्म लेयर कब होते हैं दे आर प्रेजेंट इनिशियल पीरियड ऑफ योर

मेजोडम ने क्या बनाया किडनी लीवर मेरे ऑर्गन्स बना दिए और उन ऑर्गन्स की लाइनिंग फॉर एग्जांपल जो मेरी एलिमेंट्री कनाल है उसकी इनर लाइनिंग किससे बनी होगी एंडोडम से तो दीज आर सो वेदर योर ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ऑल दीज थ्री जर्म लेयर वेदर दे कंटेन टू जर्म लेयर्स डिपेंडिंग ऑन दिस दे आर अगेन क्लासिफाइड इन ग्रुप्स एंड दैट ग्रुप्स इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लो प्लास्टिक मतलब जिसमें दो लेयर है एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है मीजोडम अच्छे से नहीं है या डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है इन केस ऑफ ऑल थ्री लेयर्स आर प्रेजेंट सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लो विद दिस डायग्राम अब यहां पे देखो एक्टोडर्म है एंडोडर्म है पर जो ये देखो यहाँ पे मीजोगेलिया है इसको मीजोगेलिया क्या बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड समझ नहीं आ रहा है कि एक्टोडम है कि एंडोडम है कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें वो ऐसा मिक्स हो गया है समझ नहीं आ रहा है तो उस उस लाइनिंग uh, को क्या बोलते हैं मीजोजी मीजोगेलिया केस ऑफ ट्रिपलो प्लास्टिक सी एक्टोडम इज प्रेजेंट वेल डिफ्रेंशिएटेड एंडोडम अच्छे से दिया है और मीजोडम ये वाला रेड ये वाला जो लाइनिंग है इट इज गिवेन वेरी क्लियरली दो जर्म लेट रहती है तो क्या बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक और तीनों जर्म्स लेर होती है तो क्या बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक